दिल्ली के प्रगति मैदान में प्लंबिंग, पानी और स्वच्छता उत्पादों पर देश की सबसे बड़ी स्टैंड अलोन प्रदर्शनी प्लंबेक्स इंडिया आयोजित की गई। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक का रहा और इसे अमृत 2.0 व SBM 2.0 के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे दिन भारत टैप सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें डी थारा एडिशनल सेक्रेटरी, MOHUA एंड मिशन डायरेक्टर अमृत 2.0 भी शामिल हुई। उन्होंने लो फ्लो सैनिटरी वेयर और सैनिटरी फिटिंग का लाभ के बारे में बताया और इस सेशन में मधुरिमा माधव, साइंटिस्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी मौजूद रही। उन्होंने वाटर एफिशिएंट प्लंबिंग प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश की। गुरमीत सिंह अरोड़ा, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन, कहा कि प्लंबेक्स इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के लिए बिजनेस डेवलपमेंट और विकास के अवसरों को जोड़ने और तलाशने के लिए एक विशनरी इनिशिएटिव है। ये इंडस्ट्री के अंदर कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप के लिए रोड मैप बनाने का इरादा रखता है। कार्यक्रम में आए हुए लोगों ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इवेंट वेर अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स आते, कंसल्टेंट्स आते, इट्स मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड इसमें भारत टैप इनिशिएटिव का एक आइटम हमने लिया है, लॉन्च इनिशिएटिव लिया है, जिसमें इंडस्ट्री ने वो इनिशिएटिव को अपनाया है एंड देन उससे वाटर एफिशिएंट फिक्स्चर्स बनाने का एक संकल्प किया है। अनसैनिटरी फिक्स्चर्स मीन्स इंक्लूडिंग सैनिटरी वेयर, ऑल द फिक्स्चर्स एंड सैनिटरी वेयर। आई होप दैट दैट सक्सेस, सब इंडस्ट्री पूरा उसको अपनाए तो 30-40% पानी बच सकता है। तो जो टैप्स और हम शावर्स ये सब है और वाटर फॉसेट्स है, ये सब अगर हम कम वो वाटर एफिशिएंट फिक्स्चर्स यूज़ करेंगे तो 30-40% पानी का बचत हो सकता है। इस मैसेज को पहली बार हम पब्लिसाइज कर रहे हैं प्लंबक्स में, आगे भी ऐसे इवेंट्स करेंगे तो पब्लिसाइज दिस एंड यहाँ का इंडस्ट्री ने अपनाया है इस मैसेज को एंड इंडस्ट्री हैज टेकन द इनिशिएटिव ऑफ टेकिंग इट अप। थैंक यू सो मच। द ऑनरेरी जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन, सो टुडे वी हैड अ ग्रेट ग्रेट सेशन ऑन समथिंग कॉल्ड भारत टैप। सो दिस इज अ वाटर कंजर्विंग मेजर बाय विच वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द total quantity of water getting into the household by providing a tap and making it mandatory to use this tap whenever we are right in the process of building the building or even later, because we are cannot allow that water is wasted. So up to now what was happening is we used to keep a contraption, something like a rubber type of a contraption, which reduces the flow of water, and that is why the water reduction happens. But with this, nothing has to be done. The tap comes on its own. Within the tap is been built this particular thing, which reduces the water. I am Madhurima Madhav, scientist and joint director in the civil engineering department of Bureau of Indian Standards. We have recently published standards for water efficient plumbing products. Implementation of these standards by the industry will help us to conserve water up to the range of 40-50%. और क्या क्या खास हुआ आज के इवेंट में, आपने प्रेजेंटेशन में क्या क्या खास हुआ था? बेसिकली ये जो भारत टैप इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया गया है, इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सके अमंग द यूज़र्स एंड द इंडस्ट्री कि काफ़ी ज़रूरत है हमें इस एरिया में वर्क करने के लिए। और जो पूरा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम आई मीन कि ना केवल हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इवन जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उन्हें भी समझना पड़ेगा कि हमारे पास लिमिटेड वाटर रिजर्व्स हैं, उन्हें हमें कंजर्व करना है, हमें हर एक लेवल पर पानी को बचाना है और उसके लिए हमें क्या क्या करने की आगे आवश्यकता है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। हम एसोसिएशन तो अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट को ही इसमें कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको
कितनी मात्रा में और लोगों को जागरूक करने के लिए होना चाहिए? नहीं, ये इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हमें बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे लाकर, क्योंकि हमें बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत पड़ने वाली है। हमें बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों को समझाना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। कहीं कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी हमें पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, वहाँ पे लोग ये समझ नहीं पाते कि कुछ और ऐसे हमारे प्रदेश हैं, हमारे शहर हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी की किल्लत है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करने के लिए जिनके पास है उनको बचाना पड़ेगा, जिनके पास कम है उनको संरक्षण करना पड़ेगा, उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग जैसे टेक्निक यूज़ करने पड़ेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए टेक्निक यूज़ करेंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट को जो स्टेट लेवल और सिटी पे लेवल पे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी मेजर्स लेनी पड़ेंगी, अपने बायलॉज में भी इस तरह के संशोधन करने पड़ेंगे जिससे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाएँ और लोग भी इसके लिए जागरूक हों।